अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, पार्ट वन का, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? सबसे पहले आर ए फिशर ने, फर्स्ट टाइम। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था एज ए नंबर थ्योरी के लिहाज से। यूँ समझ लेंगे, नंबर सिस्टम को समझने, उन पे डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने, और अपने डेटा के अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपके पास डेटा हो, उस तरह की फाइंडिंग्स, उसके रेलेवेंट जो हैं, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। इसके मैं डेफिनेशन पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैन बी डिफाइन एज, इसका मैं स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है डेटा कलेक्शन। एक मिनट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डेफिनेशन के, मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा था स्टैटिस्टिक्स का। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग। ये मैंने स्टेप वाइज इसको अरेंज कर दिया है, इसकी डेफिनेशन को। इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन विच वी डिस्कस अबाउट डेटा कलेक्शन, यहाँ पे कॉमा, डेटा प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। तो इस सारी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो मैं कोट करूँगा कि आप को कोई डिजीज है, नॉर्मल आपकी तबीयत खराब है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे पूछता है, जी क्या बात है? तो आप उसको बताते हैं कि जी मुझे ये इशू है, जुकाम है, गला खराब है, या जिस्म में पेन हो रही है। तो तब वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है आपसे, डॉक्टर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो उस वक्त आप स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्शन वाले प्रोसेस पे होते हैं। नेक्स्ट, जब वो आपसे ये सब कुछ सुन के वो खुद से ये एनालाइज कर रहा होता है कि मैंने क्या अंडरस्टैंड करना है, इसके जेस्चर्स या जो वो आप इश्यूज बता रहे होते हैं उस पे, वो तब प्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल आप देखें तो क्रिकेट देखते हुए आप जो साइड पे ग्राफिकली वो आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है फील्डिंग की या बॉलिंग की, तो वो सारी डेटा प्रेजेंटेशन में आ रही होती है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। तो जब वो फाइनली मेडिसिन लेके, सिरप वगैरह लेके आपके आगे डॉक्टर साहब रख देते हैं, जी ये आपने मेडिसिन इतनी लेनी है, सिरप एक चम्मच या जो भी आपको वो बता रहा होता है, तो वो उसने एनालिसिस उस वक्त कर लिया होता है। और इंटरप्रिटेशन वाले स्टेप में ये है कि आप कोई मुश्किल बात, मुश्किल लफ्ज़ जो है उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें, वो जो सुनने वाला है उसके लहजे में, यूँ समझ लें। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी टाइफाइड है, आप गए थे डॉक्टर के पास, आपने सारे उसको अपने बताए हैं, जो भी आपके इश्यूज थे, आपकी तबीयत खराब थी, तो सारा कुछ मेडिसिन दे के लास्ट पर डॉक्टर साहब आपको बता रहे होते हैं कि मुझे आपको टाइफाइड हो गया। आम आदमी मेरे जैसा गांव से ताल्लुक रखने वाला, तो टाइफाइड अभी तक मीनिंग नहीं पता होता। तो क्या है टाइफाइड? पुराना बुखार, यही समझा जाता है। और जैसे हम बात करें एलर्जी की, इसी तरह एक वर्ड ये है, ये भी बताया जाता है हमें डॉक्टर साहब से, पता चलता है। तो अगर वो टाइफाइड की बजाय आम आदमी को ये बताए कि आपको बुखार पुराना हो गया और आप ठीक हो जाएंगे, तो उसने टाइफाइड वर्ड की इंटरप्रिटेशन की है। तो इस तरह आप इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इसकी जो इंट्रोडक्शन में, स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में हमारे पास फर्स्ट टू चैप्टर्स जो हैं पार्ट वन इंटर के, और उसमें डेफिनेशंस हैं सिर्फ, और इंट्रो के हवाले से ही बातें हैं। हमने जो स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मीनिंग पे चले जाते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास कोई डेटा है, यूं पड़ा हुआ है, ऐसे डेटा है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको ड्रा करने से कुछ इस तरह वो ड्रा हो रही हो, तो इस डेटा में से इस डेटे के सेंटर को जी। तो मैं बात कर रहा था कि इस चैप्टर के नेम के मीनिंग पे बात हो रही थी कि कोई डेटा है, अगर उसको ड्रा किया जाए तो ऐसे वो ड्रा हो जाए। इस डेटा के सेंटर को फाइंड करने के लिए जो मेथड हम डिफाइन करते हैं उनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। यानी मेजर्स जो है ये मेथड्स हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर मीन सेंट्रल, तो सेंटर में ही आ जाता है, यानी किसी डेटे का वस्त फाइंड करना। टेंडेंसी होता है मूव होना, किसी चीज का मूव होना, तो डेटे का सेंटर की तरफ मूव होना या इस डेटे के सेंटर को फाइंड करना, हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उन मेथड्स को कहते हैं जिनसे हम सेंटर फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसमें मेन मेजर जो हमारी होती है वो 5 मेजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है अरिथमेटिक मीन। सेकंड है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड है हार्मोनिक मीन। फोर्थ है मीडियन। एंड 5 नंबर पे है मोड। इस चैप्टर में हम ये मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, यानी हर एक जो है ये एवरेज ही है, और किसी डाटे की एवरेज के लिए मेनली जो यूज होती हैं ये 5 मेथड्स हैं या 5 एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है वो अरिथमेटिक मीन हम पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो ये x बार सम ऑफ x ओवर n, इस सम ऑफ x का मीनिंग है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये इसका एक डिनोमिनेशंस है कि हम इसको अरिथमेटिक मीन x बार से शो करते हैं। अब जो हमारे पास डेटा होता है उसकी दो टाइप्स हैं, उसकी फर्स्ट है अनग्रुप, फिर आ जाता है ग्रुप डेटा। हम हर मेथड को, ये जो 5 मेथड हैं, हर मेथड को अनग्रुप में भी डिफाइन करेंगे और ग्रुप में भी डिफाइन करेंगे। ऐसा डेटा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बगैर हो उसको हम कहते हैं अनग्रुप डाटा, और ऐसा डाटा जो विद फ्रीक्वेंसी हो, जैसे मैं ये कहूँ कि क्लास में 15 बच्चे ऐसे हैं जो ए ग्रेड वाले हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है।
एक ग्रेड की फ्रीक्वेंसी है कि 15 बच्चे हमारी क्लास में हैं, और अनग्रुप ऐसा डाटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अनग्रुप में, तो इसका मेरे पास फार्मूला तो मैंने लिख चुका हूँ, ये है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, और अगर मैं बात करूँ ग्रुप की तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। तो दोनों के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर कोई डाटा रैंडम मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है 10, 20, 30, 40 यहाँ तक, अब मैंने ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऐसा डाटा जिसमें वेरिएबल के साथ उसके एफ यानी फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम मौजूद हो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। तो ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है, सबसे पहले मैं इसका सम ऑफ एक्स फाइंड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 100, और ये फार्मूला है यहाँ पे साथ लिख लें एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स मेरे पास आया 100 और ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 4 डिवाइडेड बाय 4। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या वैसे ही, तो ये आपके पास आ जाएगा 25, एक्स बार इज इक्वल टू 25। ये मेरे आपके इस डेटा का सेंटर आ गया। और एक और बात, इसके आंसर के सही होने की दलील ये है कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू होती है उसके और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान में से आपका आंसर होता है, ना तो मिनिमम से नीचे जा सकता है ना मैक्सिमम से ऊपर आ सकता है। अच्छा, ग्रुप डेटा, ग्रुप डाटा के लिए क्या है, फर्ज करें यहाँ पे आपके पास कॉलम है और ये फ्रीक्वेंसी 7 दी हुई है यू। अब फर्ज करें यहाँ पे आपके पास एक्स बार, ये आपके पास फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, तो एफ एक्स का आपको कॉलम यहाँ पे रिक्वायर है, एफ एक्स फाइंड करें, ये इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 आ जाएगा और ये 40, 30, फिर 40। अब इसका सम कर लें यानी इन सब को प्लस कर लें, तो ये आ जाएगा 50, 80 और 120, ये आपके पास सम ऑफ एफ एक्स आ गया। यानी आप यहाँ पे सम ऑफ एफ एक्स इस वाले कॉलम का जो आपके पास सम आया है प्लस करके वो यहाँ पे पुट कर दें, 120 आया है डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ यानी इस एफ वाले कॉलम का सम करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2 और 4, 24। ये है ग्रुप डेटा के साथ आपकी एवरेज अरिथमेटिक मीन, या उर्दू में आपने मैट्रिक में इसका इंटर पढ़ा था औसत, आप इसको औसत बोलते थे अरिथमेटिक मीन को। इसमें हमारे पास तीन तरह के इसके मेथड्स हैं, आज हमने जो पढ़ा है वो है इनडायरेक्ट मेथड, सेकंड वाला है डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, और लास्ट पे आ जाता है कोडिंग एंड स्केलिंग मेथड। जो नेक्स्ट हम मेथड पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह डायरेक्ट या फिर शॉर्टकट मेथड होगा। आज हमने इनडायरेक्ट पे बात की है, और इनडायरेक्ट का अनग्रुप भी और ग्रुप डाटा में भी एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसके फार्मूले पे बात की। थैंक यू।